साल 2023 खत्म ही होने वाला है। साल 2023 में टेलीविजन पर हमें बहुत सारे नए नए शोज देखने को मिला और बहुत सारे शोज ऑफ ईयर भी चले गए। उसके साथ ही सोनी सब पर भी हमें दिसंबर में एक बिल्कुल नया शो देखने को मिला जिस शो का नाम है आंगन। उस शो का इस हफ्ते ओपनिंग टीआरपी निकल कर आ चुकी है। तो आंगन शो को ओपनिंग टीआरपी कैसा मिला, इस शो को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सोनी सब पर हमें बिल्कुल नया शो देखने को मिल रहा है, उस शो का नाम है आंगन। उस शो में हमें टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आयुषी खुराना जिनको हमने लास्ट देखा था स्टार भारत के शो आजुनी में। उसके साथ ही टेलीविजन के बड़े एक्टर महेश ठाकुर, आदिति राठौर, समर बीरमानी, दर्श अग्रवाल जैसे टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार हमें इस शो में देखने को मिल रहे हैं। ये शो हमें 11 दिसंबर से शाम के 7:30 बजे देखने को मिल रहे है। इस शो का कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर इस शो में हमें देखने को मिल रही है एक पिता और तीन बहनों की कहानी, जहाँ पर एक पिता को कैसे तीन बहनें मिलकर संभालती है वही हमें इस शो में देखने को मिले। उसके साथ ही शादी को लेकर सबकी कैसे नजरिया है वो भी हमें इस शो में देखने को मिले, जहाँ पर कहानी तो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और इस शो का जो ओपनिंग टीआरपी वो निकल कर आई है 0.6। इस शो ने रिप्लेस किया था पश्मीना धागे मोहब्बत के शो को, जहाँ पर पश्मीना की टीआरपी बहुत ही ज्यादा लो निकल कर आता था, लेकिन आंगन की जो टीआरपी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आई है। तो आते ही इस शो ने कमाल कर दिया है, 0.6 की जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा अच्छा है सोनी साहब के हिसाब से। तो आने वाले वक्त में इस शो का टीआरपी और भी ज्यादा अच्छा निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि इस शो की कहानी को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो क्या देखा आपने इस शो का फर्स्ट एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।